तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत अपने भाई के चैनल पर एक न्यू ब्लॉग में। सुबह हो चुकी है हमारी और मम्मी जी यहाँ झाड़ू लगा रही हैं, देख सकते हो आप। तो फिलहाल बालों को मत जाना, क्योंकि रात को मैं मालिश करवा थोड़ी सी मालिश करवा के सोया था। चंपी जिसे कहते हैं, थोड़ा रिलैक्स फील होता ना। और आजकल बारिश का मौसम भी हो रहा है, जैसे आप सबको पता होगा। तो फिलहाल मैं भी आजकल रनिंग करने जा रहा हूँ। रनिंग थोड़ी वॉकिंग हो जाती है तो अपना सिस्टम थोड़ा सही रहता है। तो फिलहाल अभी आया हूँ, अर्जेंट जरा ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट करके और आज देखते हैं क्या होता है पूरे दिन में, आपको दिखाते रहेंगे। वैसे एक दो ब्लॉग आ नहीं रहे थे कुछ टाइम से, तो मैंने सोचा कुछ बना देते हैं जो आपको भी लगे कि भाई हम हैं, फिलहाल कहीं गए नहीं। हल्ला मत काटे। तो फिलहाल मैं नहा चुका हूँ, थोड़ा सा अपना हेयर कट मतलब हेयर ड्राई फ्राई कर लिए थोड़े से। हम निकल रहे हैं, पता नहीं कहाँ निकल रहे हैं, मगर जहाँ भी निकल रहे हैं आपको दिखा देंगे। फिलहाल मम्मी प्रेस कर रही हैं, देखो मेरी शर्ट प्रेस हो रही है और जतिन आके पहले बैठ चुका। और ये अपना दूध है, दूध पीकर फिर निकलते हैं। और बहुत दिन बाद व्लॉगिंग। हाँ, व्लॉगिंग में मज़ा भी है भाई, मज़ा आया अपने आपसे बात करना, आपसे शेयर करना, हर चीज़ इंटरेस्टिंग हो जाता है। और हमारे पौधे को पानी दे देते हैं जब तक मम्मी वो करते हैं। रेगुलर देना पड़ता है यार, वरना गर्मी पड़ रही है, सूख जाएगा ये बेचारा। और ये सूख गया तो फिर सही नहीं है ना। और देखो यहाँ पर चिड़िया के लिए वो रखे हैं, यहाँ पर चिड़िया रहती है ना, तो उनके लिए पानी, और पानी उसमें है और इसमें खाना रख देते हैं। और ये हमारा बैडमिंटन पड़ा हुआ, तो अभी सफाई होगी तो देखते हैं। और फिलहाल चलो नाश्ता करके फिर निकलते हैं, सानू भाई कॉल आइए, पहले वहाँ चलते हैं और उसके बाद क्या होता है सीन वो तो आपको दिखाएंगे, ठीक है? कंटिन्यू रहना, उसके बाद चलो। तो गाइस फिलहाल मैं बाइक चला रहा हूँ, हम निकलते हैं सानू भाई के यहाँ और पीछे बैठे हैं। और एक हाथ से देखो बाइक चला रहा हूँ मैं, तो थोड़ा रिस्क है, तो ठीक है आप चलते हैं, वहीं मिलते हैं डायरेक्ट, ठीक है? तो गाइस हम आ चुके हैं सानू भाई घर और फिलहाल निकलते हैं। और देखो फॉर्मल शर्ट वर्ट पहन के और कबाड़ा ले लूं। तो फिलहाल हम चल रहे हैं, पता ना कहाँ चल रहे हैं, जो भी होगा कोई मतलब सीन है, कोई मतलब कोई कुछ रुक जाओ यार। तो भी पता है क्या हुआ, सीन हो गया, मोबाइल निकाल रहा था और चाभी गिर गई बाइक की। और पीछे क्या ना भैया, चाभी गिर गई क्या? मैंने कहा हाँ, वो क्या कहते हैं, ईमानदार है, वरना बाइक ले जाता घर में तो निकाल के। तो अपनी संपत्ति मिल चुकी है, वैसी KTM है, एक ही है, वो भी टूटी हुई है, उसमें ड्यूक का खर्चा आता है ज्यादा ही। सानू भाई फर्राटे फर्राटे तेज जा रहे हैं, गाड़ी में मिलते हैं। हाँ तो एक बार कुछ है, इम्पोर्टेंट काम है, तो वहाँ चल रहे हैं, दिल्ली चल रहे हैं, दिल्ली में कुछ काम है, उस काम को करेंगे, उसके बाद दिखाएंगे क्या होता है, पूरा डेली आज का पूरा रूटीन बनाएंगे। और सानू भाई जा रहे हैं बिल्कुल फॉर्मल बन के, पता ना कहाँ जावे, कि आदमी पर कहाँ जावे हमें पता ही ना चला। और हम देखो लोअर और ऐसी शर्ट और ऐसी पहन के आ चुके हैं, और जतन तो चप्पल पहन के आओ। और एक गाड़ी खड़ी अपनी लग्जरी, भारत सरकार जन्नत में जारी, किसान यूनियन, जो भी कुछ भी ना हो, ब्लैक कैट कमांडो सब चीज़ें, मतलब पूरी सेफ्टी से जा रहे हैं हम, क्योंकि देख लो कमांडो भी है यहाँ पे भी है, सरकार भी है, बस सब चीज़ अपना ही है, तो कोई टेंशन की बात ना है। बाकी छाती में सपोर्ट तो उतार देंगे, और जो कोई रोक ले तो कोई बात ना, उतर जाएंगे। तो फिलहाल हम पेट्रोल भरवाने के लिए खड़े, मतलब अपने उसमें तो पेट्रोल भरवा रहे हैं, वो कैमरे के सामने हाथ आ गया। तो फिलहाल हम रुके हुए हैं तेल डलवाने। अच्छा तो चलो भाई, अच्छा आ जा जितिन, आ जा। तो चलो तेल भर चुका, अपने निकलते हैं, थोड़ा सा मैं व्लॉगिंग के लिए पीछे आ गया था। फिलहाल गाजियाबाद की तरफ, मतलब गाजियाबाद क्रॉस कर दिया हमने, दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। और हाईवे पकड़ का हाथ आ रहा भी चढ़ा था, हाईवे पकड़ा हुआ हमने, हाईवे भी चल रहे हैं। एक तो आज तो थोड़ा मौसम ठीक है, और मतलब ऐसा आया दो तीन दिन से बारिश भी हो रही थी, धूप भी निकल जा रही है, तो मौसम सही चल रहा अपना, तो उसमें सब बढ़िया हो रहा है। फिलहाल देखो गाजियाबाद चलते हैं, हमें दिल्ली चलते हैं, उसके बाद एक हॉस्पिटल जाना हमें, कौन सा हॉस्पिटल जा रहे हैं मैं आपको वहीं दिखाऊंगा। तो कुछ काम है छोटा, अपनी फाइल का सबमिट करना है कुछ, तो आपको बताएंगे। उसके बाद दो तीन काम और हैं, जैसे मुझे अपना एक दो चीज़ देख लेंगे, मतलब कपड़े या शूज़ वूज खरीद लेंगे अच्छे।
बढ़िया मिलते हैं, देखते हैं टाइम मिला तो ले लेंगे, वरना कभी और नेक्स्ट टाइम देखना। फिलहाल हाईवे पे चल के फिर रुकते हैं, फिर देखते हैं कुछ खाते पीते हैं। Checking out your sun and moon signs, and our stars are both aligned. Both aligned. तो फिलहाल हम दिल्ली पहुंच चुके हैं, एम्स के बाहर एम्स के बाहर खड़े हैं। वो आपको मैं बता दूं, वो जो सानू भाई है तुम्हारे, जो सानू भाई है जानते हुए, तो उनके पापा जी की तबीयत ख़राब सी चल रही थी, तो उनका रिपोर्ट लेना है, रिपोर्ट लेकर डॉक्टर को दिखाना। अरे देखो यार, अरे यहाँ देखो ये फ़ोटो शूट चल रहा है इनका एम्स के बाहर भी, मतलब डॉक्टर यहाँ पे हॉस्पिटल के बाहर भी फ़ोटो शूट कर रहे हैं इनका। देखो फोकस हो जा, तो देखते हैं रिपोर्ट लेकर आते हैं फिर क्या कार्रवाई, मतलब क्या होता है कार्रवाई, जो भी मेडिकल लगते हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद पहले तो भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है कुछ खाने का, तो पहले खाएंगे उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और फिलहाल ये फ़ोटो शूट करने दो ये दोनों ने। और फिलहाल हम गेट नंबर 3 पर खड़े हैं एम्स का, देखो ओहो बहुत भीड़ है यार। और यहाँ पर मास्क ज़रूरी है, मास्क लेना पड़ेगा, मैंने मास्क नहीं लिया, मेरे पास रुमाल है, रुमाल फेस पर बांध करके चल रहा हूँ। और पता नहीं यार आज का मौसम चलो सही है, थोड़ा सा राहत है, वरना बाहर खड़ा होना रिस्क है, क्योंकि मैं पहले भी आ चुका हूँ एम्स के बाहर, बहुत भीड़ रहती है, बहुत भीड़ और क्राउड और पार्किंग तो कभी मिलती नहीं है इन टाइम पे, कभी नहीं मिलती, तो इस चीज़ का थोड़ा वो रहता है, मगर जो देखते हैं क्या होता है। और अभी तक आई नहीं है सानू भाई, तो फिलहाल हम बता दें, तो फिलहाल हम खाना खाने आए हैं और मंगाया, मतलब सिंपल दाल मंगाई है, थोड़ी गर्मी भी पड़ रही है तो उसकी वजह से थोड़ा लाइट खाना खाएंगे, क्योंकि सफ़र भी थोड़ा गाड़ी में है ना, तो हल्का खाना चाहिए सही, हाँ तो हल्का खाना खाने चाहिए। और सानू भाई बैठे नीचे अपने मोबाइल चला रहे हैं, और ये छोटे सी स्टोर और उसने अपना सेटअप बना रखा अंदर, देखो तो हल्का सा गैप है, ज़्यादा बड़ा नहीं है और बराबर का किचन अपने खाने का यही है। और देखते हैं दाल रोटी खा के फिर चलते हैं। और हाँ रिपोर्ट मिल गई थी, और अंकल जी गए हैं डॉक्टर को दिखाने क्या होता है, तो देखते हैं आपको, फिर थोड़ा बहुत शॉपिंग भी करने जाएंगे, ये डिसाइड हो रहा है, अभी प्लानिंग बन रही है, अभी कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म हो जब शॉपिंग करनी है कि नहीं करनी, तो इनके ऊपर है क्योंकि गाड़ी इनकी है, इन पर बहुत पैसा है, हम थोड़े गरीब हैं, तो हमें फोर्स करना पड़ेगा, इन पर दबाव डालना पड़ेगा। तो हमारी दाल आ गई है और फिलहाल रोटी, हाँ तंदूरी, तो हम रोटी का वेट कर रहे हैं, रोटी जाते हैं फिर अपना पेट पूजा करते हैं, बहुत भूख लग रही है, गरीब है ना, गरीब में छोटे मोटे होटल में खा लेते हैं, होटल में जो भी हो, देखो गरीब का फ़ोन भी टूटा हुआ, देखो इससे साबित होता है और ज़्यादा गरीब हो गए, रोटी आती है और खाते हैं और फिर निकलते हैं। और देखो चले अभी मजा आएगा ना भिड़ो, हो गया सीन, ये भूख की पहचान है, अगर भूख तड़पे तो प्लेट बजाओ, बाई चांस होटल वाला मारन लगे तो छेद छात तो उसकी बिल्डिंग भिजवा दो भाई, बिल्डिंग मिल जाएगी। तो रोटी का वेट कर रहे हैं यार, रोटी आया खा के फिर निकलते हैं, भूख लग रही है बहुत कैड़ी, एक सेकंड जो यहाँ बैठा है तो ये मेरा इंतजार कर रहा है कि मैं कब बंद करूँ तो ये चालू करे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, देखो चालू भी हो गए, हर चीज़ मैनेज करना पड़ता है। ये खड़े हम एक बार देखो, अब निकल रहे हैं एम्स, तो फिलहाल हम जा रहे हैं शॉपिंग करने, और पता ना कहाँ जा रहे हैं, अभी तो लोकेशन पता ही नहीं है, और सब देखो वहाँ पे रोड क्रॉस कर रहे हैं और पीछे गाड़ी, और रोक लियो रे यार, रोके भी तो ना, डर भी तो लगे बस तेरा। ये कुछ मार्केट है, यहाँ तो अंधी रोड क्रॉसिंग चल रही है, यहाँ अंधी रोड क्रॉसिंग चल रही है, तो देखते हैं क्या होता है पहले। तो देखो ये शॉपिंग चल रही है, बहुत केयर, बहुत खतरनाक शॉपिंग चल रही है, देखते हैं क्या होता है। हाँ तो भाई अभी एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, थोड़ी सी आगे निकल चुके हो, देखते हैं उसे अगर वो देखती है ना, तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, एक गाड़ी है, नाम पता नहीं है, नाम देख के फिर बताता हूँ, उसमें ना छोटे छोटे हेलो लगा रखे हैं, वैसी गाड़ी लग रही है जैसे बचपन में खींच के आगे नहीं भागती थी वो वाली गाड़ी लग रही है, वो देख रही मैं तो, अभी दिखाते हैं एक सेकंड, देखो जो देख रहे हो ना ये देखो, ये देखो गाड़ी कैसी लग रही है, छोटी सी है और इसके टायर
देखो कितने बाहर है, उससे आउट हो रहे हैं। सस्पेंशन के इसके थोड़ा वो रहेगा, मगर देख रहे हो कैसी लग रही है। शौक पूरे होने चाहिए, मायने नहीं रखती कैसी क्या चीज़ है, बस अपने आदमी शौक पूरे करें, मजे ले रहा है बिल्कुल। अलग ही फील लग रही है उसमें, देखने में गुड्डा सी गाड़ी। तो फिलहाल हम नाश्ता करने के लिए रुके हुए हैं, मतलब थोड़ा सा भूख सी लग रही थी तो सब रुक चुके हैं। देखो इसे देखो तो थोड़ा नाश्ता करने के लिए रुक चुके हैं, नाश्ता करते हैं, देखते हैं क्या खाते हैं। और फिलहाल घर के लिए निकल चुके हैं। मैंने शूज ले लिया जॉर्डन का, घर जाके दिखाऊंगा कैसा शूज है। वन पेयर होता है ना जो आप शायद जॉर्डन एयर वन बोलते हैं उसे। एसी पीसी बंद कर दी आदमी ने और हमें तो ब्लॉगिंग ही ना करन दे रहा हूँ। तो चलो देखते कुछ खाते हैं। और पीछे जतिन ब्लॉग शूट कर रहा है, इधर मैं कर रहा हूँ, कंटिन्यूस लगे पड़े हैं। ओहो हो बीच है ट्रक, ट्रक दिख के कहीं साइड ले जाए तो पार्किंग करते हैं, गाड़ी पार्क में लगाते हैं, मतलब ऐसे साइड में लगा रहे हैं। और कुछ खाते हैं यहीं से, सामने से कुछ खा के फिर मिलते हैं। जतिन पेल ले, खा ले खा ले। तो फाइनली हमने नाश्ता कर दिया और देख रहे हो ये सब, ये तुम्हारे भाई का दुआ। इसमें मैंने लीड फंसा रखी है कि जब भी इस गाने सुनने हो कैसे भी किसी को अगर प्रॉब्लम आती है तो बहुत जैसे बहुतों की प्रॉब्लम होती है ना, कोई गाने गाड़ी में चलाते नहीं सुनता नहीं, तो कभी कोई मन करता तो या कॉलिंग करना तो इसी से कनेक्ट कर लेता हूँ, कॉल लेट कर रखते हैं। और सबसे पीछे बैठे हैं जतिन और नितिन। अम्मा नहीं है मेरे पास, सच में नहीं है, वो मांगने वाले होते हैं ना तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास थे तो मैंने वहाँ दे दिया, पर मैं ब्लॉग में ये चीज़ को दिखा। तो चलो घर चलते हैं और देखते हैं, फिर आपको जॉर्डन की शूज़ दिखाता हूँ। तो भाई जो मैं दिल्ली से लाया था अपने जॉर्डन, ये है मेरे जॉर्डन, देखो कुछ ऐसे हैं, ये देख सकते हो आप, और दिखने में बिल्कुल मस्त हैं। और आजकल तो वैसे भी सब पहनते ही हैं, तो मुझे पसंद था कुछ हाईनेक है ना, हाईनेक में थोड़ा सा मुझे आजकल ज़्यादा ही पसंद आने लगा हाईनेक, और थोड़े बिल्कुल देखने में अच्छे लग रहे थे। और आजकल वैसे भी सब पहनते ही हैं, तो देखो ये मेरे जॉर्डन, तो ठीक है ओह ये पड़ता है। तो ठीक है अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।